ले 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 स्वागत है दोस्तों सुमित गुप्ता गेमिंग में। ह्यूमिलेशन ऑफ लीडर बोर्ड कैंपर्स आप लोग के लिए लाया हूँ और ये वन वर्सेस वन का गेम प्लेज है। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा था दोस्तों वन वर्सेस वन का रैंक मोड। पहला ओपोनेंट शैगी लिंक के साथ लेवल 12। खाली बेसिक आप लोग को देखने को मिलेगा, स्लैशिंग स्ट्राइक, लिंग कितना मीठा हो सकता है ये आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और लिंग के कैंपर्स कितने खतरनाक हो सकते हैं वो भी आप देखेंगे। अभी अगर आप लोग वन वर्सेस वन का लीडर बोर्ड चेक करोगे तो शायद मैं टॉप 10 में होऊंगा। इससे पहले मैं शायद लिस्ट में भी नहीं होगा वन वर्सेस वन में, क्योंकि सभी रगड़ने वाले तैयार बैठे हैं लीडर बोर्ड में कब्जा करने के लिए दोस्तों। और हैकर स्क्रिप्ट यूज़र्स भी काफ़ी भर गए हैं एरिना में, काफ़ी लोगों को बैन करवा चुके हैं हम लोग कंप्लेन करके। और बाकी आप लोग को ऐसे प्लेयर्स मिलेंगे दोस्तों, ये लोगों को भारत रत्न मिलता है ऐसे खेलने पे, ओलंपिक मेडल्स। ऐसे खेलने का तरीका जो है उसके लिए भी एक हुनर चाहिए दोस्तों, स्किल्स बोलते हैं इसको। हम लोग के पास कोई स्किल्स नहीं है, हम लोग पे टू विन है। इतने मौके दे देता हूँ जंप करके दोस्तों, फिर भी क्या ही बोलना, ये लोग गंवार थे और गंवार ही रहेंगे। मतलब एक होता है ना एक टैलेंटेड CHU TI YO की लिस्ट, उन लोगों में ये शुमार है। खासकर ये शैगी दोस्तों, ये 3v3 में भी काफ़ी एक्टिव था। इस शैगी का ह्यूमिलेशन ऑफ कैंपर के पुराने वीडियोस में भी आप लोग देख सकते हैं। पहला राउंड देख लीजिए, सिर्फ बेसिक करके हराया है इसने, स्लैशिंग स्ट्राइक और बेसिक। चलिए राउंड टू की तरफ चलते हैं। हिलगा तैयार, फाइट। यहाँ देखो इसको क्या रगड़ाई है, मारे चहलकदमी चहलकदमी और बेसिक। हॉप करने का भी कोई फायदा नहीं, लोग सब जानते हैं स्पिन करके कैसे एकदम हटाना है, लेकिन मैं हूँ दोस्तों आप लोग जानते ही है, छोड़ कैसे दूंगा इतनी आसानी से। ये देखिए चहलकदमी, बैक बटन का इस्तेमाल देखिए। देखिए हॉप करके ग्रैब करने की कोशिश किया मैंने, लेकिन बंदा तैयार है स्पिनिंग अटैक के लिए। स्लैशिंग स्ट्राइक हैवी, तो मुझे लगता है मेरा जो रैंक था हेलगा के साथ वो 800 के करीब था दोस्तों, और 870 या सॉरी 880 अभी मेरा रैंक होगा। ये 880 जाने में मुझे तो यार हालत ख़राब हो गया, सच बता रहा हूँ आपको। तो कुछ प्लेयर्स इसमें ऐसे भी है जिनसे मैं एक मैच हारा भी हूँ लेकिन दोबारा हराया उन लोगों को दोस्तों। तो इसमें एक प्लेयर है E2 फैन करके जिसका क्लैड है, एक प्लेयर है एनबो करके जिसका मैक्स लेवल लिंग है, एक प्लेयर डेथ मिला था युक्का के साथ लेकिन उसका मैं नहीं डाला क्योंकि उसके पास 4 टैलेंट्स थे, 5 मिनट तक ज़्यादा राउंड गया था लेकिन छोड़ दिया। चलिए वो राउंड मैं जीत चुका हूँ, अभी हम लोग डिसाइसिव राउंड पे है। जैसा आप लोग देख रहे हैं अपोनेंट को क्या ही मस्त रगड़ रहा है, क्या ही मस्त बेसिक कर रहा है, ओकेजनली स्पेशल अटैक भी देखने को मिलता है। ये हमारे टैलेंटेड एरिना के प्लेयर है दोस्तों, क्योंकि ऐसे खेलने के लिए भी बहुत स्किल्स चाहिए। ये लोग कभी सामने एग्रेसिव खेल के कभी जीत नहीं पाएंगे दोस्तों, खास करके हम जैसे प्लेयर्स के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये लोग ऐसे ही पैसिव तरीके से ही खेलना जानते हैं और जीतना जानते हैं। IQ लेवल कितना है हम लोग सभी जानते हैं दोस्तों, रगड़ने का IQ लेवल पूरा पूरे के पूरे 100 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन बाकी IQs में 100 out of 0। थोड़ा सा हेल्थ बचा है और यहाँ पे डिस्पेरेशन मूव आले ले, बवा शेडो मूव किया, बवा हार गया, बवा का रगड़ाई काम नहीं आया, बवा का उप्स हो गया, उप्स से पवित्र हो गया। चलते हैं एक और कैंपर की तरफ, E2 फैन, मैक्स लेवल का आयरन क्लैड, और अभी आयरन क्लैड चलाने वाला का टैलेंट देखना होगा आप लोगों को दोस्तों। नॉकआउट बिल्ड, हाइपेन थ्रेशोल्ड, साथ में एड्रिनालिन, बर्जर्क काफ़ी चलन में है आयरन क्लैड के साथ। मतलब आयरन क्लैड नॉकआउट टैलेंट के साथ हम लोग सभी जानते हैं कि कितना ओपी हो सकता है दोस्तों। भले डिफेंस कम है लेकिन डैमेज ज़बरदस्त देगा और क्रिटिकल पे क्रिटिकल आप लोग को मिलेंगे। ये देख लीजिए ऐसे ही प्लेयर्स मिलेंगे आप लोग को रैंक में, स्पिनिंग अटैक अनब्रेकेबल, ये देखिए स्पिनिंग अटैक अनब्रेकेबिलिटी, यही आता है इन लोगों को करने के लिए। इसके अलावा इन लोगों को कुछ नहीं आता दोस्तों, लेकिन फिर भी आप लोग जानते ही है SGG तो SGG ही है, इतनी आसानी से हार कभी नहीं मानता हूँ दोस्तों। फ्रस्ट्रेशन भी होता है लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ आप लोगों को अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँ। और मैं तो जानता ही था दोस्तों रियलिटी यही होने वाली है लीडर बोर्ड आने के बाद,
हर कोई हर मुमकिन कोशिश करेंगे रैंक्ड में ऐसे ही खेलने का, चाहे वो 3v3 हो चाहे वो 1v1 हो, अनफेयर खेलना है और लीडर बोर्ड पे टॉप पे बने रहना है। क्यों? तो भाई हम लोगों को ओलंपिक मेडल मिलेगा, साथ में भारत रत्न भी, नोबेल प्राइज़ के भी ये लोग हकदार है दोस्तों, ये लोग को नोबेल प्राइज़ भी मुहैया कराएगी नेकी ऐसे खेलने के लिए। अभी आप लोग देखे होंगे नेकी का टूर्नामेंट, कम्युनिटी टूर्नामेंट है सैटरडे और संडे जैसा आज मेरे ख्याल से, मैंने भी रजिस्टर किया दोस्तों, देखते हैं क्या होता है। और पहला राउंड जैसा आप लोग देख रहे हैं रगड़ते रगड़ते हरा दिए हैं, चलते हैं नेक्स्ट राउंड की तरफ। ये राउंड टू जैसा आप लोग देख रहे हैं महारत हासिल है इन लोगों को रगड़ने में, कोई फर्क इन लोगों को नहीं पड़ता दोस्तों, आप टॉन्ट करो आप इमोट करो, लास्ट में ये लोग गुड गेम बोलेंगे और गुड गेम बोल के अपने आप को इतना इनोसेंट साबित करने की कोशिश करेंगे कि इनसे इनोसेंट प्लेयर एरिना में कोई है ही नहीं, क्योंकि ये लोग कहाँ कुछ कर रहे हैं, ये लोग कितने अच्छे से खेल रहे हैं, पीछे से रगड़ते हैं, स्पैम करते हैं अनब्रेकेबिलिटी अटैक्स का, ये देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं, बैक बटन का पूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसा बैक बटन आप लोगों को कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ये देखिए बाहर स्पिनिंग अटैक, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। तो ऐसे प्लेयर्स आप लोग को एरिना में अब भरपूर मिलेंगे दोस्तों, आप लोग इन्जॉय कीजिए रैंक्ड खेलना। हाँ, दिल पे मत लेना भाई लोग, अगर हारते हो तो रैंक्ड में टॉप पे रहना कोई बड़ी बात नहीं दोस्तों, ये हर सीज़न चलेगा, अभी से लेके 47 दिन तक सब कोई रगड़ेंगे अपना पिछवाड़ा टॉप पे बने रहने के लिए। तो आप लोग से गुजारिश है भाई, कुछ नहीं मिलने वाला है इंसिग्नियास, जितना हो सके नॉर्मल तरीके से ग्राइंड करो, क्योंकि जितना कम भी ग्राइंड करोगे इंसिग्नियास ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, मिलेगा ज़रूर, सेव करके रखो, रिवॉर्ड्स फ्यूचर में फिर मिल जाएंगे। अपना मेंटल स्टेट को हेल्दी रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, हम लोग क्रिएटर्स हैं, हम लोग हारे या जीते कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम लोग सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करने वाले आप लोगों को, मैं टॉप पे रहने वाला कोई कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला भी नहीं, मैं चाहता तो और कोशिश करता, लेकिन मैं 2-3 मिनट 4 मिनट तक मैच मेकिंग ट्राई किया लेकिन अपोनेंट्स नहीं मिले तो मैंने वहीं पर छोड़ दिया, मैं बोला टॉप 10 में भी आ गया हूँ काफ़ी है, नाम दिखना चाहिए सिर्फ, नाम दिख रहा है काफ़ी है, ओवरऑल मैं ऑलरेडी मैं 42 नंबर पे हूँ 20,000 ट्रॉफीज़ के लमसम में, तो काफ़ी है मेरे लिए, वो भी 10,000 के करीब इंसिग्निया सीज़न एंड होने पे मिलेगा, ऑलरेडी 40,000 है मेरे पास, काफ़ी इंसिग्नियाज है, फ्यूचर में कोई भी रिवॉर्ड्स आएगा तो आराम से ले लेंगे। और यहाँ पे एक शाइनिंग डस्ट झुका दी है अपोनेंट, जैसा आप लोग देख रहे हैं ये मैक्स लेवल लिंक के साथ अनबू आया है, इस राउंड में आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, यहाँ से असलियत शुरू होंगी, ये देखिए असलियत, मतलब ऐसे ही अपोनेंट्स मिलेंगे दोस्तों जो टाइम आउट से भी हराने की कोशिश कर रहे हैं आपको, ये लोग टाइम आउट से भेजे, देखिए इसकी नौटंकी शुरू हो गई, कोई कोई तो मुझे लगता है जानबूझ के ऐसा करते दोस्तों, आप लोगों को बताया ना मैं लिंग कैसे मेटा हीरो है, ये देख लीजिए लिंग मेटा का, और डमास्कस के साथ तो काफ़ी ज़्यादा मेटा है, हेल्थ पे गौर फरमाइए, हेलगा का ऑलमोस्ट ख़त्म है, लेकिन फिर भी दोस्तों फिर भी इसको मौका नहीं देंगे, इस हेल्थ से भी हम लोग कम बैक करने वाले हैं। यहाँ पे एक शाइनिंग डस्ट झुका है, लिंक काफ़ी खुश, एक स्पिनिंग अटैक, लेकिन हमारा रगड़ू काफ़ी होशियार है दोस्तों, वहाँ पे लोक किक करके बच गया, एक और स्पिनिंग अटैक लगा है, यहाँ पे शाइनिंग डस्ट मिस हो गया, और जब से ये हेराल्ड्स और डायनेस्टी का जो वॉल जंप है दोस्तों गजब, उसका एनिमेशन स्पीड अप हुआ है, देखिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं इस बार, मतलब टाइम आउट, ये लोग सिर्फ टाइम आउट का खेल अब जानते हैं दोस्तों, जान रहे कि हेलगा का हेल्थ कम है, और अगर आफ्टर लाइफ में हेलगा जाएगी तो ऑब्वियसली उस लोग का हेल्थ कम हो जाएगा। और यहाँ पे एक मुंह पे पड़ी है रेंज वेपन, लिंक काफ़ी खुश है, ये ग्रैब एक अप अटैक, आले ले बवा, बवा इमोट करता है, बवा अपना डिस्परेशन दिखाता है, बवा फिर भी जीत नहीं पाएगा क्योंकि मैं तो मैं हूँ। और यहाँ पे एक स्पिनिंग अटैक दिए हैवी करना चाहते थे, रोल अवे किया, ये डर मुझे अच्छा लगा इसका दोस्तों, यही डर मुझे रैंक्ड मैचेस में देखना इन लोगों के साथ, सारी हिकड़ी इन लोगों की निकालनी है, इन लोगों का जो रैंक्ड खेलने का जो सपना है ना दोस्तों चूर चूर करने का है, ये देखिए क्या ही रगड़ना है, टाइम आउट पे आ चुके हम लोग, हेलगा आफ्टर लाइफ में, ये जंप किक एक हैवी, खेल खत्म, आले ले बवा डिस्परेशन में शेडो मूव कर दिया, बवा गवार कैंपर है, बवा का उप्स हो गया, बवा का रगड़ा ही काम नहीं आया, आले ले, ले। चलते एक और कैंपर की तरफ, वापस से ईटू फैन आया है जो 2 राउंड पहले आप लोग को दिखाया था दोस्तों, मतलब अभी भी बाज नहीं है, मुझे लगता है इससे 4 बार मैच मेकिंग हुई होगी मुझे,
फाइट। और ये लोग नॉकआउट टैलेंट लेने का क्या ही फायदा उठाते दोस्तों, हर बार क्रिटिकल, जंप किक करना है, हैवी किक करना है, स्पिनिंग अटैक, बेसिक, यार सब में क्रिटिकल, इवन अप अटैक में भी क्रिटिकल है, लो अटैक में भी क्रिटिकल है, सब में क्रिटिकल ही है दोस्तों। ये देखिए यही नॉकआउट का फायदा, कैसे स्पिनिंग अटैक का ये लोग फायदा उठाते हैं, और डैमेज आप लोग देख ही रहे, खाली स्पिनिंग करेंगे ये लोग, अनब्रेकेबिलिटी का फायदा उठाएंगे, लेकिन फिर भी एसजीजी इन लोगों को हरा के ही छोड़ेगा दोस्तों। तो हर सीजन आप लोगों को क्या लगता है, टॉप पे रहना पॉसिबल है दोस्तों? फेयर खेल के, नेटवर्क ग्लिचेस से बच के, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। ये वो लोग करते हैं दोस्तों जिनके पास कोई काम नहीं है। कुछ लोग है कि गेम एंटरटेनमेंट के लिए खेलते हैं, मैं भी खुद एंटरटेनमेंट के लिए खेलता हूँ, मैं तो बल्कि मैं खेलता ही नहीं हूँ दोस्तों। अभी रैंक मैचेस में इसलिए खेल रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के लिए कंटेंट लाना है मुझे, क्योंकि आप लोग रिसेंटली देख लो मेरे चैनल का पेजेस, आप लोगों को रैंक मैचेस मुझे लगता है बहुत कम ही दिखाया मैं। और आज रैंक मैचेस सिर्फ इसलिए खेल रहा था दोस्तों कि एक बार देखना चाहता था कि रैंक मैचेस 1v1 का कैसा है, क्योंकि 3v3 में तो मुझे काफ़ी लोगों ने बताया कि स्क्रिप्ट्स यूज़र्स है, उसके अलावा मेरे ख्याल से कैंपर्स का तो खैर नाम ही लेने का कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। यहाँ पे चलते हैं राउंड 2 की तरफ, और 1v1 में देखना चाहता था कि 1v1 का क्या खेल है, तो दिख गया मुझे खेल क्या है, यहीं पे खेल है दोस्तों जो आप लोग सामने देख रहे हैं। ऐसे ही आप लोगों को अनब्रेकेबिलिटी मिलेगी, स्पिनिंग स्पैमिंग मिलेगी, साथ में रगड़ने को तो मिलेगा ही देखने को, क्योंकि इनसे अच्छा रगड़ाऊ कोई भी नहीं है एरिना में। ये लोग खास तरह के रगड़ू है, ये देख लीजिए कितने अच्छे से रगड़ रहे हैं। ऐसे कौन खेलेगा दोस्तों, और किसको मज़ा आएगा ऐसे खेल के? कितने लोग इसी कारण से शेडो फाइट अरिना को अनइंस्टॉल कर, जो कि काफ़ी बुरा लगता है सुनने में कि लोग, सही बात है यार, हर कोई डील नहीं कर सकता है, और जो न्यू प्लेयर्स है तो खास करके डील नहीं कर सकते, क्योंकि बहुतों को वेटिंग गेम खेलना पसंद नहीं है दोस्तों। और हमारा ये गेम इतना अच्छा गेम है, लेकिन कुछ के कारण ये गेम ख़राब हो रहा है। 2 साल हो गए इस गेम को, लेकिन इसका एक ही प्रॉब्लम है, और वो मेन प्रॉब्लम है कैंपर्स। मुझे लगता है टीम को ब्लॉक बटन इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए दोस्तों अब गेम में, ये जो सिंपल खड़े होकर ब्लॉक करने वाला सिस्टम है वो हटा देना चाहिए, जो इवेंट हम लोग आता है ना ब्लॉक बटन वाला। हाँ थोड़ा सा सबको प्रॉब्लम होगा, लेकिन मुझे लगता है कि सही भी रहेगा वो। ये देखिए क्या बैक बटन का पूर्ण इस्तेमाल किया, मूर्ति बन के खड़े हुए हैं, या मैं इसे टॉन्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा हेल्थ ज़्यादा और इसका हेल्थ कम, लेकिन फिर भी ये देखिए आप आले ले बुआ ग्रैब कर दिया, और यहाँ पे एक हैवी पड़ा है, खेल खत्म। आले ले बुआ हार गया, बुआ कितना बार रगड़ने की कोशिश किया लेकिन जीत नहीं पाया। आशा करता हूँ दोस्तों ह्यूमिलेशन ऑफ लीडर बोर्ड कैंपर्स का ये वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगा, बाय बाय।